श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साई ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। हम बाबा के चरणों में समर्पण करते हुए अरदास करते हैं, हे श्री साई, मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपावृष्टि से पूर्ण करें। मैं कर्णबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका प्रायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसा कि हिंदू ग्रंथों, हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु के। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का प्रायण भक्ति पूर्ण कर रहा करने जा रहा हूं। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज हम 18वां पारायण करेंगे, जो अंतिम भाग भी है, जिसमें हम उद्यापन करेंगे। इसके अंतर्गत हम श्री साईं बाबा की आरती एवं भजन करेंगे, जिसके साथ ही हमारा श्री साईं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का संपूर्ण पारायण आज के दिन समाप्त हो जाएगा। Oh.
रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई।
बात गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई 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 साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई 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 साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई 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 साई नाथ गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई दत्त राज गुरु माझे आई मझला ठाव ध्यावा पाई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज